हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज यारो। पेश हूँ आपके लिए एक साइंस फिक्शनल मूवी लेके, जिसका नाम है जुरासिक गैलेक्सी, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट से कुछ लोग एक अजीब से प्लेनेट पे क्रैश हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत से डायनासोर्स और अजीब से जानवर होते हैं। बीच में उन सभी को एक इंसान के रूप में दरिंदा मिलता है। अब देखना ये है कि वो सब लोग इन सब से बचकर उस प्लेनेट से कैसे बाहर निकलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश होके एक अजीब से प्लेनेट पे आके गिरता है, जहाँ बहुत से डायनासोर्स और बड़ी बड़ी छिपकलियाँ रहती हैं, और उस स्पेसक्राफ्ट के लोग उस प्लेनेट पे इधर उधर क्रैश होके गिर जाते हैं। इनमें से तीन लोग सही सलामत क्रैश होते हैं। पहला एक सिक्योरिटी इंचार्ज, जिसका नाम मार्स्टन सेन होता है, और इस बंदे के पास एक छोटा बॉल सा दिखने वाला मशीन भी होता है, पैल, जो कि हर चीज के बारे में बहुत जल्दी पता लगा लेता है। दूसरी एक लड़की होती है जिसका नाम डेजी है, वो पायलट कमांडर होती है। और तीसरा एक क्रिमिनल जिसका कि नाम फ्लाइन है, जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा था। फ्लाइन पहले तो इन दोनों की हेल्प करने से मना करता है, पर बाद में कैसे भी करके मान जाता है। अब बात ये थी कि उस प्लेनेट से कैसे निकला जाए, तो डेजी बताती है कि शिप के पीछे वाले पार्ट में एक शटल है, जिसकी हेल्प से हम सब इस प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं या मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद वो सब उस पार्ट को ढूंढने आगे बढ़ते हैं, और पैल उन्हें बताता है कि वहां तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, पर वो दोनों रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि उन दोनों रास्तों में बड़े बड़े डायनासोर्स थे, पर उन्हें तो उस प्लेनेट से बाहर निकलना ही था। इसीलिए वो सब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही उन्हें दो और लोग मिल जाते हैं, जिसमें से एक लेडी जिसका नाम डॉक्टर एना है, और एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम हैरिस है। वो दोनों भी उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वह सब आगे बढ़ते हैं तो तभी एक वॉल्केनो इरप्शन होता है, और बहुत से छोटे डायनासोर्स का झुंड उनके पीछे से आने लगता है। वो सब उन झुंड से बचने के लिए किनारे हो जाते हैं और बच जाते हैं। आगे बढ़ते ही एना को पता लगता है कि उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसलिए वह गुस्सा और इरिटेटेड हो जाती है, और डेजी पे सारा ब्लेम करती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि शिप को वो ही उड़ा रही थी। और तभी इसी बीच एक बड़ी सी छिपकली एना पे अटैक कर देती है, और उसे मारने ही वाली होती है कि डेजी उसे बचा लेती है, और फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब दिन ढलने को आ गया था और रात होने लगी थी, और साथ ही वो सब भी बहुत थक गए थे, तो इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि आज रात किसी अच्छी सी जगह पे आराम करेंगे, और कल फिर से शिप के पीछे वाले पार्ट को ढूंढने निकलेंगे, और वो सब वहीं सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा डायनासोर वहां आता है और उनपे अटैक करने ही वाला होता है कि पैल एक साउंड करके उन्हें उठा देता है, और वो सब जान बचा के भागने लगते हैं। भागा दौड़ी में हैरिस और डॉक्टर एना अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं, बाकी सब तो एक साथ छुप जाते हैं, पर एना पे एक छोटा सा डायनासोर अटैक करने लगता है, और वो हैरिस को बोलती है कि उसकी हेल्प करे, पर वो डर के मारे भाग जाता है। बाकी ग्रुप के लोग टाइम पे आके एना को बचा तो लेते हैं, पर हैरिस के भागते भागते उसका चश्मा कहीं गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और बहुत से छोटे डायनासोर्स आके उसे मार के खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वैसे ही छोटे से डायनासोर्स उन सब पे भी अटैक करने के लिए आते हैं, पर तभी एक अजीब सा दिखने वाला आदमी, जिसके कि बाल भी कम थे और रॉन्ग टर्न में जो दरिंदा था वैसा ही दिख रहा था, वो उन सब को बचा लेता है। उसका नाम रैच होता है। वो सब को अपनी जगह पर ले जाता है जहां वो रह रहा था। एक्चुअली रैच भी एक दिन किसी स्पेसशिप से क्रैश होके अपने दोस्तों के साथ वहां क्रैश लैंड हुआ। कुछ लोग मारे गए और बस 4-5 लोग ही बचे। शिप के पीछे वाले पार्ट में बस 2 लोगों के जाने की जगह थी, इसीलिए
उसके बाकी के दो फ्रेंड चले गए, पर यह यही रह गया। और फिर उसे इतने सालों से ले जाने कोई नहीं आया। और अगर हम इस शिप के पीछे वाले पार्ट की बात करें तो उसमें भी एक ही आदमी को ले जाने की पावर है, पर डेजी ने यह बात छुपा कर रखी थी। पर जब वो ये बात बताती है तो सब उसे बुरा भला बोलते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये पता लगता है कि मास्टन सेन को ट्यूमर है और वो बस मेडिसिन पर ही जिंदा है। अगर मेडिसिन खत्म हो गई तो वो भी खत्म हो जाएगा। जब मास्टन रैच के साथ पानी लेने जाता है तो बीच में रैच मास्टन पे अटैक कर देता है और उससे वो छीन लेता है जिसकी हेल्प से वो सब बाहर जा सकते थे। इसी बीच डेजी को पता लगता है कि रैच आदमखोर है और वो इंसानों को मार के खा गया और अब हमें भी मार के खाना चाहता है। इसलिए वो सब मास्टन को बचाने जाते हैं, पर बीच में पत्थरों के हिलने से दोनों लड़कियों और फ्लाइन के बीच में एक दीवार बन जाती है जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं। रैच लड़कियों के पास आता है और डेजी पे अटैक करके एना को अपने साथ ले जाता है। उसे एना पसंद आ गई थी और वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, इसलिए वह उसे लेके उस शिप के शटल की तरफ चले जाता है। तब तक बाकी के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि छोटे छोटे डायनासोर के बच्चे उन पे अटैक करने के लिए आते हैं और डेजी पे अटैक ही करने वाले होते हैं कि फ्लाइन उसे बचा लेता है, पर डायनासोर उस पे अटैक कर देते हैं और उसे अधमरे की हालत में छोड़ देते हैं। बड़ा डायनासोर आके छोटे वाले को भगा देता है। उन सबको वहाँ से आगे बढ़ना था, पर फ्लाइन मरने वाला ही था, इसीलिए उसे वहाँ छोड़ देते हैं और वो डायनासोर का शिकार हो जाता है। कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद डेजी और मास्टन भी शिप के शटल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे रैच एना को ले जाने ही वाला था, और फिर वहाँ पे फाइट होती है। फाइट में रैच को एक बड़ा सा डायनासोर खा जाता है क्योंकि शटल में बैठने के लिए बस एक की ही जरूरत थी और मास्टन तो बस मेडिसिन खत्म होने के बाद मरने ही वाला था, इसीलिए वो मास्टन और डेजी एना से बोलते हैं कि तुम चली जाओ। एना तो उस प्लेनेट से बच जाती है, पर शायद मास्टन और डेजी को भी डायनासोर्स खा लेते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। थैंक यू।